हेलो फ्रेंड्स, द आई टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक थ्योरम या एंड काइनेमेटिक थ्योरम, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर बाउंड थ्योरम एंड अपर बाउंड थ्योरम। इसको लोअर बाउंड क्यों बोलते हैं, इसको अपर बाउंड क्यों बोलते हैं, वो सभी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, तो वो कन्फ्यूजन आज हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरी तरीके से दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक थ्योरम और काइनेमेटिक थ्योरम क्या होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनमें सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है, फॉर अ गिवन स्ट्रक्चरल सिस्टम, मतलब दोनों में आपको स्ट्रक्चरल सिस्टम पता होना चाहिए। एंड लोडिंग अरेंजमेंट, एंड लोडिंग अरेंजमेंट, एंड लोडिंग अरेंजमेंट, एंड लोडिंग अरेंजमेंट। तो फॉर गिवेन स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड लोडिंग अरेंजमेंट, मतलब दोनों केस में आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल सिस्टम पता होना चाहिए और लोडिंग अरेंजमेंट। लेकिन यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, यहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर जिसका कि आप लोअर बाउंड थ्योरम से कोलैप्स लोड निकालना चाहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के उस लोडिंग अरेंजमेंट के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आप बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है, तो फिर आपको काइनेमेटिक थ्योरम में जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं, यहां आपको मैकेनिज्म कंडीशन को एज्यूम करना है। तो एज्यूम मैकेनिज्म कंडीशन, और ये मैकेनिज्म कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी, आपकी नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। और नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या होता है, डीएस प्लस वन। डीएस क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। मैंने बताया आपको कैसे निकालते डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बहुत ही डिटेल में, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो डीएस प्लस वन, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस वन आपको मिलेगा नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, और नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज से आपको पता चल जाएगा कि कितने मैकेनिज्म कंडीशन बनेंगे। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है तो आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। और यहां पे भी यदि मैकेनिज्म कंडीशन यदि आपने एक भी मिस कर दिया, तो आपको रिजल्ट आपका, हो सकता है आपने क्रिटिकल वाला मिस किया हो, तो फिर आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में आपको यदि ये कंडीशन लगाना है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि इस लोडिंग अरेंजमेंट के लिए क्या बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और यदि आप इस थ्योरम को लगा रहे हैं, तो आपको मैकेनिज्म कंडीशन एज्यूम करना आना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से, तो यहां पे फॉर अ गिवन सेट ऑफ लोडिंग, जो भी लोडिंग आपको दी हुई है उसमें जो आपने बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो फॉर गिवन सेट ऑफ लोडिंग कोलैप्स लोड शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू टू कोलैप्स लोड। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा आगे। कोलैप्स लोड शुड बी इक्वल टू एंड लेस देन ट्रू कोलैप्स लोड, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लोअर बाउंड थ्योरम, क्योंकि ये ट्रू कोलैप्स लोड से कम है। और यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर गिवन सेट ऑफ लोडिंग, फॉर गिवन सेट ऑफ लोडिंग कोलैप्स लोड शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड, तो यहां पे ट्रू कोलैप्स लोड से ज्यादा होने के कारण इसका नाम पड़ गया अपर बाउंड थ्योरम। तो यहां पे आपको ट्रू कोलैप्स लोड से कम वैल्यू होगी या इक्वल होगा कोलैप्स लोड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। ये आपका एक सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दिस इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, दिस इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसको अपन देखेंगे लोअर बाउंड थ्योरम, और इसको देखेंगे अपन अपर बाउंड थ्योरम से। तो लोअर बाउंड थ्योरम में क्या होगा आपका, इसका आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डब्ल्यू एल बाय फोर, यदि ये आपका एल बाय टू है, दिस इज एल बाय टू, तो दिस इज द डब्ल्यू एल बाय फोर। तो यहां से आपका जो मैक्सिमम मोमेंट आपको कहां मिलेगा,
जहां पॉइंट लोड लगेगा वहीं पे मैक्सिमम मोमेंट आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम मोमेंट मतलब एम पी किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू एल बाय फोर के। तो डब्ल्यू आपका क्या जाएगा, फोर एम पी बाय एल। दिस डब्ल्यू इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। तो यहां से आप डायरेक्टली कोलैप्स लोड निकाल सकते हो यदि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता हो। बट यदि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता नहीं है तो आप फिर काइनेमेटिक थ्योरम लगाएंगे, जिसको ही बोलते हैं अपर बाउंड थ्योरम। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको मैकेनिज्म कंडीशन रिज्यूम करनी पड़ेगी। तो कितने यहाँ पे प्लास्टिक हिंज हैं, यहाँ पे डीएस कितना आपका जीरो, तो प्लास्टिक हिंज कितने जाएंगे, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज जीरो प्लस वन कितना वन, और वो वन कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका पॉइंट लोड लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका प्लास्टिक हिंज है। प्लास्टिक हिंज का नोटेशन जो होता है फील्ड डॉट ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पे एंगल कितना होगा थीटा, यहां भी थीटा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये भी थीटा होगा ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, तो डब्ल्यू इंटू कितना डिफ्लेक्शन है डेल्टा, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा इज इक्वल टू इंटरनल। इंटरनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लास्टिक मोमेंट है, प्लास्टिक मोमेंट इंटू कितना रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पे आने के लिए, थीटा प्लस थीटा कितना टू थीटा, तो ये टू थीटा आ जाएगा। तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा, डेल्टा ये थीटा आपका, ये डेल्टा है। तो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कितना एल बाय टू, तो डेल्टा क्या जाएगा आपका एल बाय टू इंटू थीटा। तो यहाँ पे आप डेल्टा रख दीजिए, एल बाय टू इंटू थीटा इज इक्वल टू एम पी इंटू टू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा फोर एम पी बाय। तो दिस डब्ल्यू इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। तो यहाँ पे भी कोलैप्स लोड आपको कितना आ रहा है 4 एम पी बायल, यहाँ पे भी कोलैप्स लोड आपको क्या मिल रहा है 4 एम पी बायल। तो दोनों ही मेथड से आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म कंडीशन को एज्यूम करना है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने होंगे। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू लेना है कोलैप्स लोड की, इन लोअर बाउंड थ्योरम जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम पिकअप करना है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ आएगा वो वैल्यू रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू लेना है आपको मिनिमम लेना है ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है काइनेमेटिक और स्टैटिक में ठीक है। तो इस पे बेस्ड मैं आपको और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो एक ही प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे अपन और प्रॉब्लम, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर बाउंड थ्योरम एंड अपर बाउंड थ्योरम ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, यदि इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। धन्यवाद।